इस तरह की लड़की जो है फ्रॉड लड़की हो चाहे लड़का हो, हम उसकी शादी नहीं करवाते बिल्कुल भी। लड़के का, लड़के की सिर्फ 1000 रुपये एंट्री फीस लेते हैं, लड़की का बायोडाटा हमारे पास फ्री होता है। राम राम दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, फिलहाल हम आ रहे हैं अड़ेवा में, अड्डा पर हम आ रहे हैं और आपने एक चर्चित वीडियो अपनी देखी है जो कि उसके लाखों में व्यू गए हैं, वो है रिश्ते ही रिश्ते। आजकल आपने बेरा है जो पहले बिचौलिया हो करते में रिश्ते कराया करते, बड़े बुड्ढे हो करते, समझदार हो करते और अपना रिश्ता जल्दी होया करता, लेकिन ये वो बिचौलिया रूप नहीं रहा, ये भी मैरिज ब्यूरो खुल गए हैं। या मैरिज ब्यूरो दिखाइए कैमरामैन, रिश्ते ही रिश्ते जो यहाँ के सुरेश रेड्डू जी है, इन्होंने ये ठाना है कि मैं रिश्ते कराऊंगा। जो रिश्ते में उन्होंने स्पेशल बताया है, किसी की फर्स्ट मैरिज हो, कोई विकला जो तलाकशुदा हो, विदुर हो, विकलांग हो, विधवा हो, सर्व समाज वर वधु, किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, सारे रिश्ते कराने के लिए तत्पर है और इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। सारे ढाल की बातचीत करांगे, कत्ते ने शुरुआत करी और के कुछ प्रोसेस रहा है रिश्ते कराने का, सारी डिटेल में आप बातचीत करांगे। आजकल किसी ने नूह को निबेरा होंदा कि वो फलाना लड़का नशेड़ी है, नशा पता करा है, कि जो बुरी संगत में है लड़का, बुरी संगत में है नशेड़ी करता हो या कुछ और गलत काम करता हो, या लड़की का निबेरा होंदा कि वो किस टाइप की है, लेकिन ये खुद जाँच परख खुद करते हैं गाँव में जाएगा कि सारी ढाल की में ठीक ढाल की लड़की हो, ठीक ढाल का लड़का हो और पढ़े लिखे नौजवान सारे ढाल के लड़के हैं। और जो बाकी हम सारी बातचीत अंदर जाकर बातचीत कराएंगे। एक बार लोकेशन में अड़ेवा अड्डा पर, ये अगर आप खांडा रोड की तरफ आओगे तो ये खुला हुआ है रिश्ते ही रिश्ते के नाम से है जो। तो ये कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए खुशखबरी है, इब कोई भी रुकावट नहीं आएगी आपके रिश्ते में, सारे ढाल के रिश्ते आ जाओ। तो जी हाँ दोस्तों, हम मैरिज ब्यूरो के अंदर आ चुके हैं, ये ऑफिस है अड़ेवा में, अड़ेवा अड्डा पर है। तो सुरेश रेड्डू जी हमारे साथ है, सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी आपके चैनल वालों के पसंदीद नमस्कार जी। हम उरा को आन जान लग रहे थे तो हमने ये देखा जो अपना ये ऑफिस है, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आपने भी बेरा है, वो लाखों में व्यू गए हैं कि रिश्ते के लिए, क्योंकि आजकल रिश्ते होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं नू पूछना चाहूँगा, आपने ये मैरिज ब्यूरो खोलिया है किस मकसद तक खोलिया? देखो संदीप जी, मैरिज ब्यूरो ऐसे है कि अब रिश्तों की कमी आ रही है, पहले रिश्ते हो जाते थे, अब रिश्ते होना बड़ी समस्या का काम हो रहा है। इसीलिए मैंने काम तो 20-25 साल से करता था मैं अपनी दुकान पर बैठ के, लेकिन अब 2 साल से बड़ी दिक्कतें आ रही रिश्तों में, इसीलिए मैंने ये 11 महीने 2023 में मैंने ये ऑफिस की शुरुआत की, ये बता कि किसी का भला हो जाए। तो मुख्य नहीं उद्देश्य है किसी का भला हो जाए, पहला हो करते बड़े बुड्ढे बिचौलिए हो करते, मैं इब रहे नहीं हैं तो इन्हें खुद ही उठाना ठहना है। लगभग कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर? 7 महीने हो गए, 11वां महीना 2023 में मैंने ऑफिस की शुरुआत की थी, 8 नवंबर 2023 को शुरुआत की यहाँ अड़ेवा में। अच्छा, तो आपने 6-7 लगभग महीने हो चुके हैं, तो और आपने फर्स्ट आपने बताया कि मैं पहले भी शादी करा चुका हूँ, कई रिश्ते करा चुका हूँ, अब तक कितने रिश्ते करा लिए आपने? देखो मैंने 6-7 महीनों में 25-26 रिश्ते हो गए हमारे, 25-26 आराम से रिश्ते 6 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर जो हमने यहाँ बैठे ऑफिस खोले हुए हैं, मतलब ऑफिस खोलिया जाता है, ऑफिस खोलने के बाद 26-27 रिश्ते हमारे हो गए पहले हो गए ये तो इतने, तो उसके बाद तो जो पहले मैं 20-25 साल से काम करता था तो 50-40 रिश्ते मैं पहले भी करवा चुका था अपनी दुकान पर बैठा बैठा, लेकिन ऑफिस जो खोले है अब ऑफिस में 6-7 महीनों में अंदाजा 25-26 रिश्ते हमारे हो गए, बढ़िया वाले, कोई दिक्कत नहीं। देखियो बढ़िया वाले रिश्ते हुए हैं और कोई अड़चन कोई रिकॉर्ड नहीं आज तक? नहीं जी नहीं, कोई अड़चन कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि हम झूठ बोलते नहीं, झूठा रिश्ता हो तो रुकावट जब आती है, सच्चे रिश्ते में रुकावट आती ही नहीं। बिल्कुल, इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है कितने साल से पहले भी गांव में करते थे रिश्ते वगैरह और अब ये ऑफिस भी खोल लिया, तो हमें ये भी जानना चाहेंगे जी आप किस ढाल की के कुछ प्रोसेस रहा है, किस ढाल तक अगर कोई रिश्ता कराना चाहता है किस आता है किस ट्राइब से आपसे संपर्क करे? देखो हमारे ऑफिस के आगे हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर से लोग संपर्क करते हैं और मोबाइल नंबर से ही बायोडाटा दे देते हैं और लड़के का हम फोटो लेते हैं, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन हम लड़के की जो बायोडाटा लेते हैं उसका फ़ोटो लेते हैं तो 1000 रुपये हम एंट्री फीस लेते हैं उसकी।
मतलब एंट्री फीस लड़का हो या लड़की हो? नहीं, सिर्फ लड़के का। सिर्फ लड़के का, लड़के की सिर्फ 1000 रुपये एंट्री फीस लेते हैं। लड़की का बायोडाटा हमारे पास फ्री होता है। जो हमारे हाथ से लड़की का रिश्ता बनता है, हम अपनी जेब से 500 रुपये उसके कन्या दान के भी डालते हैं, जबकि उन पर पैसा कोई नहीं लेते लड़की वाले पर। लड़की हो, विधवा हो, विकलांग हो, तलाकशुदा हो, बेघर, जिस तरह की भी लड़की कोई भी हो, 18 साल से 60 साल तक हम उस पर कोई पैसा नहीं लेते, ना कोई एंट्री फीस लेते उसकी। हमारे पास ज़्यादा रिश्ते आने लगे हैं जो इस टाइम का है कि MSc और PhD लड़कियां ज़्यादा आती हैं, लेकिन उनके बराबर के लड़के नहीं मिल रहे, ये समस्या थोड़ी ही आ रही है। अच्छा, तो उन्होंने अपना जो फूल बता रहे कि 1000 रुपये एंट्री फीस लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, और खुद कन्यादान भी देते हैं 500 रुपये के रूप में। और आप ये भी बताइए कि आप जो रिश्ता कराते हैं, एरिया क्या रहता है आपका? हरियाणा में ही कराते हैं या बाहर भी कराते हैं, किस टाइप से? नहीं, एरिया हमारा 50-60 किलोमीटर का दायरे का, ज़्यादा 100 किलोमीटर का दायरे का एरिया रहता हमारा। 50 से 100 किलोमीटर तक का दायरे का रिश्ता करवाते हम। 100 किलोमीटर से फालतू दायरे का रिश्ता हम नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ कोई अड़चने आ जाते हैं, फिर उसका ना लड़के का पता लगता सही और ना लड़की का पता लगता सही। क्योंकि रिश्ता एक ऐसा होता है कि वह दोनों पार्टियों के हमारे पास बायोडाटा आ जाता है, उसे उम्र भी मैच की जाती है, उसकी क्वालिफिकेशन भी मैच की जाती है, और उसका कद वगैरह जो भी जिस तरह का रिश्ता हो, उसका हम तकरीबन 90% रिश्ता हम तय कर देते हैं, और फिर अपने लड़की वाले को बता देते हैं भाई ये लड़की है, ये लड़का है, और भाई ये आपके हिसाब का है, तो आप ये देख लो, तो आप इसकी तसल्ली कर लो। और लड़के वाले को कह देते हैं भाई आप लड़की की तसल्ली कर लो, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइज़र का काम होता, बताना, करवाना नहीं, बताना। आप खुद नहीं तसल्ली करते कि वो लड़का नशेड़ी या कुछ किस टाइप का, खुद करते हैं? खुद मैं तसल्ली करता हूँ। तकरीबन आल हरियाणा में मैं सभी गाँव को जानता हूँ, हर गाँव में कौन को जानकार है, तो इसीलिए, क्योंकि मैं पुराना रिश्ते करवाने का थोड़ा शौक था, इस करके सारे गाँव का तकरीबन पता है, गोत्रा का भी पता है कि इस गांव में कौन सा गोत्र है, और उसके हिसाब से मैं खुद भी तसल्ली कर लेता हूं। यदि लड़का नशेड़ी है तो उसका रिश्ता हम जोड़ते हैं बिल्कुल भी। मतलब देखो दर्शकों, कितनी बड़ी बात है, खुद ये तसल्ली करते कि वो लड़का किस टाइप का है, और लड़की की भी करते आप खुद कि ये लड़की किस टाइप की है, पढ़ी लिखी है, किस टाइप का उसका व्यवहार है गाँव में, लड़के का किस टाइप का व्यवहार है, सारी जाँच पड़ताल करते हैं, उसके बाद बायोडाटा आप मैच कराते हैं। जैसे कोई लड़का आपके पास आता है तो किस प्रकार से आगे प्रोसेस होती है उसकी एंट्री फीस के बाद? देखो उसका ऐसा है प्रोसेस, जैसे आता है लड़का, कॉल करके हमारे पास आता है, ऑफिस में आएगा, उसका पूरा बायोडाटा हम लिखेंगे, लड़के से हमने तकरीबन 90% ये पता लग जाता है ये लड़का घर बसाने के लायक है या ना है, और उसका बायोडाटा में हर चीज़ लिखते हैं हम, जैसे उसका नाम, बाप का नाम, गाँव का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, भाई कितने अनमैरिड हैं, कितने शादीशुदा हैं, और भाई माँ बाप हैं या ना हैं, हैं तो वो क्या करते हैं, कितनी इसके पास ज़मीन है, और यदि उसके अलावा कोई और भी साधन है कमाने का, तो उसके हिसाब से हम सारा बायोडाटा हम लिख लेते हैं, उसी हिसाब से हम लड़की का बायोडाटा ले लेते हैं, और हमने ये भी पता लग जाता है कि भाई ये कैसी लड़की पसंद कर सकता है, और लड़की वाले को भी पता लग जाता है कि भाई कैसा लड़का ये सहमत हो सकता। एक सवाल ये होगा, अगर जैसे आपके पास कोई बायोडाटा लिखवा देता, कोई फर्जी लिखवा देता कि मेरे पास तो 3-4 किले और ओ उसके पास 1-2, या नौकरी भी गलत बता देता जैसे, तो उसका कैसे आप तसल्ली करते हो? उसका उस गांव में हम तसल्ली करते हैं, उस गांव में हमारे जैसे जान पहचान होती है, कोई भी हमारा बंदा होता है, तो बायोडाटा में उसका सारा दादा तक का नाम हम लिखते हैं, और सारा नाम लिखने के बाद क्या होता है कि भाई उसकी फिर तसल्ली हो जाती है, भाई ये उसका लड़का है, उसका पोता है, और उस पन्ने में से इसका सच्चाई क्या है वो बता देते, कोई दिक्कत। तो दर्शकों बिल्कुल तसल्ली बख्श काम करे, नू नहीं अगर मतलब आपका बायोडाटा ले लिया, आपकी एंट्री फीस ले ली और काम नहीं करके दिया, तो आप एंट्री फीस ले लो तो उसके बाद कितने महीने के अंदर आप गारंटी दे हो या किस डर तक रिश्ता हो पाएगा या नहीं, कुक करके रहो? नहीं देखो जी, गारंटी देते नहीं हम बिल्कुल भी। हम 1000 रुपये उसकी एंट्री फीस लेते हैं, उस बच्चे के लिए हम काम करा हैं। काम करने में ये है कि हम लड़की वाले को बताते हैं, लड़की वाले को बताते हैं भाई ये लड़का है, वो रिश्ता लड़की वाले ने करना, हमने नहीं करना। मतलब मीटिंग तो फिक्स पक्का कराते हैं? नहीं, मीटिंग करवाता 2 नंबर का आदमी, झूठ बोलने वाला, मीटिंग करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे पास जिसके फ़ोन आए हैं कि भाई लड़की मैं दे दूँगा और आप मीटिंग करवा देना और 1000 रुपये लड़की को दे देना,
वो 10 मिनट वहाँ मीटिंग में बैठे की चली जाएगी। रिश्ता तो होना नहीं, उस मीटिंग का क्या फायदा भाई? मतलब उसके साथ धोखा करना है, उसके साथ धोखा करना वो गलत है। हम तो लड़की वाले को बताते हैं, जितने भी हमारे रिश्ते हुए हैं इसी तरह हुए हैं, जैसे हमने बायोडाटा लड़की वाले को बता दिया, लड़की वाला ने अपना तसल्ली करके और सीधा रिश्ता कर दिया, हमने कोई दिक्कत नहीं। भाई ठीक है, कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हमने, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमने सबसे ज़्यादा दिक्कत अब आ रही है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के बच्चों के बायोडाटा आने चाहिए, जैसे लेक्चरार है, एडीओ है, वीडियो है, भाई कोई सब इंस्पेक्टर लग गया है, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर है, तो किसी अच्छी अच्छी पोस्ट के जो हैं तहसीलदार है, इस तरह के बायोडाटा हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी और अति सुंदर और MSc और PhD लड़कियों के बायोडाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ख़ासकर जो महिलाएं लाले जो लड़कियों के तलाक हो गए हैं, उन लड़कियों के लिए खासकर हमारे पास और भी सुनहरी मौका है, क्योंकि फीस देनी नहीं लड़की ने, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वह तलाकशुदा हो, चाहे अनमैरिड हो, क्योंकि वो लड़के भी हमारे पास बहुत हैं अच्छी क्वालिटी के। जिन लड़कियों का लाले तलाक हो गया तो उनके लिए रिश्ते हम बढ़िया बढ़िया हमारे पास हैं। मतलब आप बता रहे जैसे एंट्री फीस कराई, एक महीना तक आप ढूंढेंगे, मिले या ना मिले? नहीं, कोई एक साल का प्रोसेस होता हमारा, एक साल तक हम उस बायोडाटा पर काम करते हैं, चाहे हमने 20 बार बताना पड़ो वो लड़का, ठीक है। लेकिन मतलब एक साल तक रिश्ता नहीं करवाया तो भाई आपने 1000 रुपये लिए थे, देखो 1000 रुपया में किसी को बहू नहीं मिलती। हमारा तो इतना है कि हम तो उस खातर कोशिश है, एक सीढ़ी हमारे पास तो कि भाई कोशिश वो कर रहे हैं, एक उसके रिश्तेदार भी उसके लिए रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पैड़ी हमारे पास और मिल गई, भाई एक आदमी हमारे साथ है और भी कोशिश कर रहा है रिश्ते करवाने की। इतना ही होता मैरिज ब्यूरो वाला का। बाकी जो ये बोलते हैं ना कि भाई आप कहीं कहते मेरे को भाई इंट्री फीस ना ले हो, आप उसकी फ्री इंट्री फीस कर दो और 5100 रुपये मीटिंग फीस ले लो, लड़की मैं भेज दूंगा, 1000 रुपये लड़की को दे देना, बाकी 4041 आप अपनी जेब में डाल लेना। तो मेरे पास एक दो फ़ोन भी आया है, वैसे नाम नहीं किसी का बताना चाहिए, जो मैरिज ब्यूरो वाला फ़ोन मेरे पास आए हैं, उन्होंने मेरे को ये कहा है कि भाई तू जाट है, पागल है। लेकिन मैंने कहा भाई हम पागल ही सही, लेकिन झूठ बोल के किसी को ऐंठना, पैसे लेने, वो गलत है। मतलब जो कई मैरिज ब्यूरो वाले ये फ्रॉड करते हैं किस तरह से, वो क्या करते हैं, वो 10 लड़कियों के फ़ोटो रखते हैं और 10 लड़की क्यों शहरा में, क्योंकि बड़े बड़े मैरिज ब्यूरो हैं, तो वह क्या करते हैं कि बस 10 लड़कियों के फ़ोटो रखते हैं, कह दें भाई 1 हफ्ता में आपकी मीटिंग करवा देंगे, मीटिंग करवाते हैं, 15 मिनट वो लड़की बतला के चली जाती है, एक दिन व्हाट्सएप पर कॉल कर लेती है, फिर कहती है कि भाई मेरा तो समझ में नहीं आया, 5100 रुपये उसकी फीस रख दी, क्यों भाई? तो उनको करना ही है। हाँ, मना तो उनकी करना ही है। तो हम ऐसा काम नहीं करते, हम तो जैसे घरेलू लड़कियाँ होती हैं, जैसे बूढ़े पहले बुजुर्ग शादी किया करते, इस तरह की लड़की जैसे फ्रॉड लड़की हो चाहे लड़का हो, हम उसकी शादी नहीं करवाते बिल्कुल भी नहीं भाई। किसी को पैसे आंठना, हम 1000 रुपये कह के लेते हैं भाई देखो ये हमारा खर्चा है, हम यहाँ बैठे हैं, किराया भी देना है, चाय पानी का बिल देना है, हम तेल भी फूकना है, हम जैसे दुकानदार हूँ 32-33 साल से हमारी गांव रायचंदवाड़ा में दुकान है, तो मैं दुकान को भी छोड़ के आता हूँ, तो हमारा तो ये तो एक भाई 1000 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक खर्च ले रहे हैं हम, बाकी हम कुछ मांगते नहीं। अगले पे कह तो न्योक भाई ये कहता भाई 1 लाख रुपये लूँगा, 51000 रुपये लूँगा, भाई 1.5 लाख रुपये लोग तो नहीं कहें, हम तो 2.5 लाख से 1.5 लाख से रिश्ता तय करके 4 लाख रुपये तक का रिश्ता करवाते हैं। ऐसे मेरे पास फोन आते हैं मैरिज ब्यूरो वाले, हम तो 2.5 लाख से 4 लाख का रिश्ता, मतलब लालच भी देते होंगे आपको। हाँ हाँ, मतलब आपको इतने पैसे दे देंगे लड़की है आपके पास। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करते, हम तो नहीं भाई, हम तो साफ सुथरा काम करेंगे, चाहे रिश्ता 1 महीने में 2 रिश्ते बनो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत रिश्ता जब बन गया तो उस लड़के का वो एक वो लग जाते बेचारे के भाई ये तो दुजगर है कि भाई पहले शादी हुई थी इसकी, क्योंकि गलत लड़की जो हथे चढ़ गई उसके, तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। एक बार रिश्ता होना बड़ी मुश्किल हो रहा है, यदि दूसरी बार रिश्ता करवाना पड़ गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम नहीं करते जी, हम तो जी 1 नंबर का काम करते, चाहे 2 रिश्ते बनो महीने में कोई दिक्कत नहीं, हम संतुष्ट हैं दुआ में, भाई ठीक है कोई बात नहीं। लड़के वाला हमारे को मान आदर करते हैं, जैसे रिश्ते होने के बाद भला ही ना करो ये हो जाए, चलो उसका घर तो बस या कम से कम इतनी भी संतुष्टि बहुत है, यदि आएगा यूँ भी कह दे भाई धन्यवाद तेरा, तो हम तो इतने में भी खुश हो जाए, भाई ठीक है बबू। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात उनकी रवायत, जिनकी उम्र ज़्यादा हो ली तो उन खेतर के समाधान रहेगा, क्योंकि नहीं देखो उम्र जिसकी ज़्यादा होगी जैसे उनके लिए तो एक ही समाधान है, जैसे तलाक हो गया किसी लड़की का किसी कारण से,
उसमें विकलांग है, विधवा है, भाई को तलाक हो गया, किसी भी इस तरह की लड़की है, कोई दुखी है, तो उनका भी हिसाब किताब सा उनके हिसाब से बन जाता है कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी। तो देखिए दर्शकों कितनी नेक सोच है, और ये चाहे तो खुद भी फ्रॉड धोखा था पैसे कमाए इसका है कि खुद अपने पास चार पांच लड़कियां रखकर और उनके बाद मीटिंग कराया कर उनके खुद पैसे ऐठना ऐसा काम कर सके, लेकिन इनकी जो सोच है बहुत ज़्यादा नेक है। इन्होंने खुद ये बताया कि हम 1000 रुपये लेते हैं उसमें ही अपना रिश्ता कराएंगे पक्का, ऐसी कोई बात नहीं, और खुद उसके बाद कोई मान आदर करे वो भी बहुत बढ़िया हमारे लिए। तो दर्शकों एक मेन मोटिव ये भी था इस वीडियो का, क्योंकि जो पहले वाली वीडियो थी उस पर ज़्यादा लाखों में व्यू आ रहे हैं और वो बार बार कॉल कर रहे हैं, तो हमने अपना नंबर दे रखा था न्यूज़ और ऐड के लिए, लेकिन वो हमारे पास भी कॉल कर रहे हैं, तो इनका भी नंबर है। एक बार खुद सुरेश जी अपना नंबर बताइए एक बार। देखो हमारा मोबाइल नंबर है जी 99-96-70-96-53, एक बार रुपये 99-967-096-53, ये हमारा मोबाइल नंबर है। मैन अड्डा अलेवा, जींद से असंद रोड के ऊपर अलेवा गांव पड़ता है ये मैन अड्डा, पर तहसील और वीडियो दफ्तर है। वीडियो दफ्तर और तहसील का लगती साथ दीवार का लगता ही अपना ऑफिस है अलेवा से खंडा रोड पर। तो पता लोकेशन आपने बेरा लगी है, अलेवा अड्डा पर है, खंडा रोड की तरफ आप जाते हैं तो बिल्कुल तहसील के पास है, और इनका नंबर इन्होंने बताया 999-670-96-53, ये इनका मोबाइल नंबर है, इस पर ही कॉल करना आप, और ये नंबर हम मेंशन भी करेंगे नीचे, और जो कुछ आपको डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप से रिश्ता कराते हैं, यहाँ पर आकर मिलना है, कैसे मिलना, सब कुछ कॉल पर करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग कैसी लगती है अपने दोस्तों के साथ जो कुंवारे लड़के लड़कियाँ हैं।